आइए बच्चों, अब द एस इज दैट मेड ट्रीज ब्लूम का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। नो लॉन्ग आफ्टर दैट, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड, तभी उस बूढ़े आदमी को जो अच्छा आदमी था सपना आया अगेन दोबारा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो कुत्ते की आत्मा थी, स्पोक टू हिम, वह उससे बोली, टेलिंग हिम, उसे बताते हुए, हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील, कि कैसे उस तुच्छ आदमी ने चक्की को जला दिया है। मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री से बनाई गई थी। टेक द एसिज, अब उस राख को लो, ऑफ द मील, मील की, स्प्रिंकल देम, और उसे स्प्रिंकल, बिखेर दो, ऑन द विदर्ड ट्रीज, मुरझाए हुए पेड़ों पर, विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, एंड दे विल ब्लूम, और वे खिल जाएंगे अगेन दोबारा। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने कहा, द ओल्ड मैन अवोक, आदमी उठा, बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट, और गया, एट वंस, तुरंत, टू इज विकेड नेबर्स हाउस, उच्च तुच्छ पड़ोसी के घर, वेयर ही फाउंड, जहाँ उसने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर, वे जो जोड़ा था, वे दुखी आत्माएं, उनका जोड़ा बैठा हुआ था स्क्वेयर पे, एक चौरस जगह पे, फायर प्लेस के पास। इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द फ्लोर, फर्श के, स्मोकिंग, स्मोकिंग कर रहे थे, एंड स्पिनिंग, और कोई चीज चरखा वगैरह चला रहे थे, घुमा रहे थे, फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स, और अपने हाथों को वो गर्म कर रहे थे, एंड फीट विद द ब्लेज, उस आभा से, फ्रॉम सम बिट्स, जो कुछ टुकड़े थे ऑफ द मिल, उस चक्की के, वाइल बिहाइंड देम, उनके पीछे ले पड़ा हुआ था ए पाइल, एक ढेर ऑफ द ब्रोकन पीसेज, टूटे हुए टुकड़ों का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने विनम्रतापूर्वक, हम्बली मीन्स विनम्रतापूर्वक, आस्क्ड, पूछा, फॉर द एसिज, एसिज के बारे में, दो यद्यपि, द कोवेटस, जो लालची कपल था, जो टर्नड अप देयर नोज, उसने अपने को दूसरी तरफ कर लिया, जैसे घृणा के तरह कर लेते ना हम किसी से, नफरत करते हैं, कंटेप्ट में, कंटेम्प्ट में, तिरस्कार में, एट हिम, एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटा, एज इफ, मानो ही वर ए थीव, जैसे वो एक चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसिज, और उन्होंने उसको भरने दिया उस बास्केट को राख से। ऑन कमिंग होम, घर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, ओल्ड मैन अपनी पत्नी को ले गया गार्डन में, इट बींग विंटर, क्योंकि विंटर का समय था, देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वर बेयर, वहाँ पे जो चेरी के पेड़ थे वे बेयर थे, मतलब ढके हुए नहीं थे और उन पे फूल भी नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड, उसने छिड़क दिया ए पिंच ऑफ एसिज, मुट्ठी भर भर के एसिज राख ऑन इट, इस पर, एंड लो, और देखो, इट्स स्प्राउटेड, ये अंकुरित हो गए बलजम्स, और खिल उठे, अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और जैसे बादल सा हो गया पिंक कलर के ब्लूम्स, फूलों का, विच परफ्यूम, जिसमें से खुशबू आ रही थी द एयर, वातावरण में। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और ये जो समाचार था इससे गांव भर गया पूरा का पूरा। एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर, और सभी इस आश्चर्य को देखने के लिए भागा। द कोवेटस, जो लालची कपल थे, आल्सो हर्ड द स्टोरी, उन्होंने ये कहानी सुनी, एंड गैदरिंग अप द, और इकट्ठा करते हुए, रिमेनिंग एसी, जो बची हुई राख थी ऑफ द मिल, चक्की की, कैप्ट देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लॉसम्स, उन्होंने भी वही किया, विद द ट्रीज पर डाल दिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट, यह सुनकर, हिज लॉर्ड, अपने स्वामी भगवान की बात, द डमियो डैमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, जो डैमियो था वो रोड के पास से गुजर रहा था, नियर द विलेज, गांव के पास से, सेट आउट टू सी, वह देखने गया, टॉकिंग, टेकिंग हिज बास्केट, अपनी बास्केट लेके, ऑफ एसिज, राख की, एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही वहाँ ट्रेन निकली, ही क्लाइम्ब्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, उसने, वह एक पेड़ पर चढ़ गया चेरी ट्री पे, दैट स्टूड बाई द वे साइड, जो वे साइड में खड़ा हुआ था। नव इन द डेज ऑफ द डैमियोज, डैमियोज के जो दिन थे,
इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज थी। वैन देयर लॉर्ड पासिज बाई, जब उनका स्वामी या राजा को वहाँ से गुजरेगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू सेट अप देयर हाई विंडोज, से भी जो स्याही लोग होंगे वे अपनी विंडोज को बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, और पेस्ट लगा लेंगे, चिपका देंगे उसको स्लिप ऑफ पेपर्स, सो एज टू नॉट कमिट द इम्पर्टिनेंस, ताकि उनसे कोई दुष्टता ना हो, घृष्टता ना हो, ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, उनके लॉर्डशिप को देखने की। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल, और सारे लोग गिर जाएंगे, अपॉन देयर हैंड्स, अपने हाथों के बल, एंड नीज और घुटनों के बल, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, और मुंधे पड़े रहेंगे, औंधे पड़े रहेंगे, अनटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई, जब तक वह जो शोभा यात्रा को पास्ड बाई, जब तक गुजरने जाए। द ट्रेन ड्रू नियर नियर, अब ट्रेन नज़दीक आई। वन टाल, एक लंबा, कंपिटेंट, सुयोग्य मैन, मार्च्ड अहेड, आगे बढ़ा, क्राइंग आउट टू द कपल, क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए टू द पीपल, लोगों की तरफ, बाय द वे साइड में, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे आ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे आ जाओ, एंड एवरी वन नील्ड, से भी उन्हें घुटने टेक दिए डाउन नीचे। वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब शोभा यात्रा या जुलूस को जब गुजर रहा था, सडनली द लीडर ऑफ द वैन, जो वैन का लीडर था, कट साइट ऑफ द एजड मैन, उसने उसको बूढ़े आदमी को देखा, अप इन द ट्री, जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वह उसे बुलाने ही वाला था, इन एन एंग्री टोन, एक गुस्से भरी आवाज में, बट सींग, देख कर, ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, कि वह बूढ़ा था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, नॉट टू नोटिस हिम, कि उसे न देखे, एंड पास्ट हिम बाई, और उसके पास से गुजरा। सो वैन द डोमियोज, डोमियोज है जो उसकी जो पालकिन थी, जो पालकी थी या सवारी थी, ड्रू नियर, नज़दीक आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच, उसने एक चुटकी ली, ऑफ एसिज राख की, फ्रॉम हिज बास्केट, उसकी बास्केट से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और पेड़ पर बिखरा दिया। इन ए मोमेंट, एक पल में ही, इट ब्रस्ट इन टू ब्लजम्स, यह फूल फट पड़ा, जैसे एक प्रकार से खिल गया, इन टू ब्लजम्स, फूलों से। द डिलाइटेड डेमियोज ऑर्डर्ड द ट्रेन, तभी डेमियोज ने ऑर्डर दिया ट्रेन को, टू बी स्टॉप्ड, कि उसे रोका जाए, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखे। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस आदमी को पुकारते हुए, ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, और उसके ऑर्डर दिया कि उसको प्रेजेंट दे, उपहार दें उस बूढ़े आदमी को, सिल्क के रोब्स, कपड़े, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसने अपने कैसल में, दुर्ग में या महल में भी उसे इन्वाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, वह खुशी से गया होम, टू शेयर हिज जॉय, अपना आनंद शेयर करने के लिए, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी प्यारी पत्नी से। बट वेन द ग्रीडी नेवर हर्ड ऑफ इट, जब लालची पड़ोसी ने ये सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज, उसने भी कुछ जादुई राख ली, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, हाईवे पे गया। देयर ही वेटेड अंटिल डेमियोज ट्रेन, जब तक उस डेमियो की ट्रेन थी, केम आई, वहाँ इंतजार किया अलोंग साथ साथ, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, झुकने की बजाय, लाइक द क्राउड, भीड़ की तरह, ही क्लाइम्ड विद दर्ड चेरी ट्री, वह चढ़ गया एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पे। वैन द डेमियोज हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब उस पेड़ के नीचे था, ही थ्रू ए हैंडफुल, उसने एक मुट्ठी भर ऑफ एसिज राख फेंकी ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिससे कोई भी कण चेंज नहीं हुआ। द विंड ब्लू, हवा बही, द फाइन डस्ट, जो अच्छी डस्ट थी, इन द नोजिज, नाक में गई, एंड आइज में, ऑफ द डेमियो, डेमियो के, एंड इज वाइफ, और उसकी पत्नी के, सच स्नीजिंग, और उनको छींक आ गई, एंड चोकिंग, और घुटन होने लगी। इट्स स्पॉइल्ड, इसने समाप्त कर दिया ऑल द पॉम्प, सारी की सारी शान को, एंड डिग्निटी, सम्मान को, ऑफ द प्रोसेशन, जुलूस की या शोभा यात्रा की। द मैन हुज बिजनेस इट वाज, ये किसका काम था, टू क्राई,
चीखते हुए, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे आ जाए, सीज्ड द ओल्ड फूल, उस मूर्ख को पकड़ो बाय द कॉलर, कॉलर से ड्रैग हिम और उसे घसीटो, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, एंड टम्बल्ड हिम और उसे लुढ़काओ, एंड हिज एस बास्केट और उसकी जो एस की जो राख की बास्केट है, इन टू द डिच, खाई में डालो उसे, बाय द रोड, रोड की तरफ, देन द बीटिंग हिम, उसे पीटते हुए साउंडली अच्छी तरह से, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसने उसे छोड़ दिया मरा हुआ समझ के, जैसे मर गया मतलब ऐसे का छोड़ दिया, दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड, और वह तुच्छ आदमी था जो डाइड मर गया इन द मड कीचड़ में, बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो दयालु जो दोस्त था कुत्ते का, ड्वेल्ट जिंदा रहा इन पीस, शांति से, एंड प्लेंटी और प्रचुरता से, बड़ी अच्छी तरह से, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, वह बहुत लंबे समय तक, ग्रीन ओल्ड एज तक वे जिंदा रहे। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।